ओम एस्ट्रो चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जब केतु हमारे बर्थ चार्ट के चौथे घर में होते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है। इसके लिए हम चौथा घर और केतु के बारे में जानते हैं। चौथा घर जो कि हमारे पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, हमारी मदर, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे नेटिव लैंड और फोर व्हीलर्स के सुख का, जहाँ हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट और लंग्स को इंडिकेट करता है। केतु केतु जो कि एक छाया ग्रह है, जे ड्रैगन की टेल है जिसका हेड या ब्रेन नहीं होता, जे सेपरेटिज्म, जे आइसोलेशंस, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिज्म को इंडिकेट करता है, ये इंट्यूशंस को भी इंडिकेट करता है। केतु का किसी घर में बैठना ये हमारे पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का नतीजा होता है, जो हमने स्वार्थवश या अपनी ईगो के लिए किया होता है और उस चीज को हासिल कर लिया होता है जो कि हमसे डिटैच इस जन्म में हो जाती है। जहां ये कहें कि केतु जिस घर में बैठता है उस घर में नेगेटिव इफेक्ट देता है। ऐसे जातकों में खुशी या शांति की कमी रहती है। ऐसे जातकों को माता से प्रॉपर प्यार नहीं मिलता, माता के प्यार में थोड़ी कमी रह जाती है, जहां उन्हें माता से अलग रहना पड़ता है। इनको अपनी मातृभूमि या जो इनकी नेटिव लैंड है, जो इनका होम है, उनसे थोड़ा सुख कम मिलता है। इनको अपने काम के सिलसिले में बाहर विदेश में जाना पड़ता है। ये अपने नेटिव लैंड में कम ही कामयाब होते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को अपनी प्रॉपर्टी से भी वंचित होना पड़ता है। मैंने कई बार देखा है, कई ऐसे हालात बन जाते हैं इनको बहुत प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉपर्टी मिलती है। इनके माता पिता कई बार इनको प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर देते हैं। मैं ऐसे जातकों को एडवाइस करता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे अच्छे संबंध बना के रखें। ऐसे जातकों को अपने नेटिव लैंड में काम में को स्टेब्लिश करने में काफी प्रॉब्लम होती है। जे लोग अब्रॉड में या फॉरेन में जा करके अच्छे कामयाब होते हैं। इनका फॉरेन में जाना लेटर लाइफ में मैंने अक्सर देखा है और मैं ऐसे जातकों को सलाह देता हूँ कि वो फॉरेन को ज्यादा प्रेफर करें। उनमें उनको इसमें पूरी पूरी सहायता मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। ऐसे जातकों को फोर व्हीलर्स को बड़े आहिस्ता आहिस्ता और ध्यान पूर्वक चलाना चाहिए। इनको दुर्घटना का वे बना रहता है और मैंने अक्सर देखा है इनके साथ छोटी मोटी दुर्घटना या चोट के निशान्स इनके अक्सर मैंने देखे हैं। कैसे जातकों को दिल की और फेफड़ों के संबंधी रोगों के होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के पास सब कुछ आता है। एक तो इनको अपने घर से दूर रहना पड़ता है, दूसरा इन लोगों को शांति में थोड़ी कमी रहती है। शांति को पाने के लिए या पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए एक ही तरीका है, मेडिटेशंस। वो कुदरत के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, रोज योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशंस ये अवश्य ही करें। इनसे इन्हें फायदा होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।